दोस्तों, टीम इंडिया के जीत के बाद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा बदलाव। भारत को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वहीं पर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीम को लगा तगड़ा झटका। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली। टीम इंडिया के जीत के बाद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में भोकाल आ चुका है। अब भारत को कौन सी बड़ी खुशखबरी मिली है और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को कौन सा तगड़ा झटका लगा है, पूरी खबर और पूरा पॉइंट्स टेबल विस्तार से आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया के जीत को लेकर खुश हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया। जी हां दोस्तों, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने पहले इनिंग्स में 10 विकेट के नुकसान पर 325 रन बनाए थे, जिसमें मयंक अग्रवाल के द्वारा हमें 150 रनों की विस्फोटक पारी देखने को मिली। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले इनिंग्स में ऑल आउट होकर मात्र 62 रन ही बना सकी थी, जहां अश्विन ने 4 विकेट तो वहीं पर मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट हासिल किए थे। अब दोस्तों, टीम इंडिया 263 रनों से आगे चल रही थी। अब दोस्तों, भारतीय टीम ने दूसरी इनिंग्स में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 276 रन बना लिए थे और पारी को डिक्लेयर भी कर दिया था। न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए 540 रन बनाने थे, लेकिन दूसरी इनिंग्स में न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट होकर 167 रन ही बना सकी और टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 372 रनों के बड़े अंतर से जीतकर इतिहास रच दिया। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टीम इंडिया की जीत के बाद आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में कौन सा बड़ा बदलाव हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, पॉइंट्स टेबल का हाल पूरी तरह से विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 7 की टीम की। दोस्तों, यहां पर आती है बांग्लादेश की टीम। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की टीम ने इस टेस्ट चैंपियनशिप में अब तक कुल 1 मुकाबला खेला है, जिसमें उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, यहां पर बांग्लादेश के पॉइंट्स की बात करें तो कुल उनके 0 पॉइंट्स हैं और दोस्तों, बांग्लादेश के जीत प्रतिशत की बात की जाए तो वह भी उनका 0 है। इसके बाद दोस्तों, बात कर लेते हैं टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 की टीम की। दोस्तों, यहां पर आती है न्यूजीलैंड की टीम। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम ने अब तक इस टेस्ट चैंपियनशिप में कुल 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें दोस्तों 1 मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है तो वहीं पर 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है। जी हां दोस्तों, यहां पर न्यूजीलैंड के पॉइंट्स की बात करें तो कुल उनके 4 पॉइंट्स हैं और दोस्तों, न्यूजीलैंड के जीत प्रतिशत की बात करें तो 16 उनका जीत का प्रतिशत है। इसके अलावा दोस्तों, बात कर लेते हैं टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 की टीम की। दोस्तों, यहां पर आती है वेस्ट इंडीज की टीम। जी हां दोस्तों, वेस्ट इंडीज की टीम ने अब तक इस टेस्ट चैंपियनशिप में कुल 4 मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबले में उन्हें जीत मिली है, 3 मुकाबलों में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। जी हां दोस्तों, उनके पॉइंट्स की बात करें तो कुल उनके 12 पॉइंट्स हैं और दोस्तों, यहां पर वेस्ट इंडीज के जीत के प्रतिशत की बात की जाए तो 25% उनका जीत का परसेंटेज है। इसके अलावा दोस्तों, बात कर लेते हैं टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 की टीम की। दोस्तों, यहां पर आती है इंग्लैंड की टीम। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड की टीम ने टेस्ट चैंपियनशिप में कुल 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 1 मुकाबले में उन्हें जीत मिली है, 2 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, 1 मुकाबला उनका ड्रॉ रहा है। जी हां दोस्तों, उनके पॉइंट्स की बात करें तो कुल उनके 14 पॉइंट्स हैं और दोस्तों, इंग्लैंड के जीत के प्रतिशत की बात की जाए तो यहां पर 29% उनका जीत का प्रतिशत है। इसके अलावा दोस्तों, बात कर लेते हैं टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 की टीम की। दोस्तों, यहां पर आती है इंडिया की टीम, यानी कि दोस्तों टीम इंडिया। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने अब तक इस टेस्ट चैंपियनशिप में कुल 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 3 मुकाबलों में उन्हें जीत मिली है, 1 मुकाबले में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि दोस्तों, 2 टेस्ट मुकाबले भारत के ड्रॉ रहे हैं और दोस्तों, टीम इंडिया के पॉइंट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा 42 उनके 42 उनके पॉइंट्स हैं और दोस्तों, टीम इंडिया के जीत के प्रतिशत की बात की जाए तो 58 यानी कि 58% उनका जीत का परसेंटेज है। इसके अलावा दोस्तों, बात कर लेते हैं आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 की टीम की। दोस्तों, यहां पर आती है पाकिस्तान की टीम। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की टीम ने अब तक इस टेस्ट चैंपियनशिप में कुल 3 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबलों में उन्हें जीत मिली है, 1 मुकाबले में उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, कुल उनके पॉइंट्स की बात
तुगलक के 24 पॉइंट्स हैं। और दोस्तों उनके नेट रेट की यानी कि दोस्तों उनके जीत के प्रतिशत की बात की जाए तो 66 यानी कि 66 का उनका जीत का प्रतिशत है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में नंबर एक की टीम की, दोस्तों यहां पर आती है श्रीलंका की टीम। जी हां दोस्तों, श्रीलंका की टीम ने अब तक इस टेस्ट चैंपियनशिप में कुल 2 मुकाबले खेले हैं। दोनों ही मुकाबलों में श्रीलंका की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल कर ली है। श्रीलंका के पॉइंट्स की बात करें तो कुल उनके 24 पॉइंट्स हैं। और श्रीलंका के जीत के परसेंटेज की बात करें तो 100% यानी कि 100% उनका जीत का परसेंटेज है। दोस्तों कुछ इस तरह से आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया नंबर 3 के स्थान पर मौजूद है, तो वहीं पर पाकिस्तान नंबर 2 और श्रीलंका नंबर 1 के स्थान पर मौजूद है। ऐसे में टीम इंडिया को आने वाले टेस्ट चैंपियनशिप के सभी मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करना होगा और नंबर 1 पर पहुंचकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनानी होगी। दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है, टीम इंडिया के यहां पर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंच पाएगी, क्या फाइनल में पहुंच पाएगी, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।